नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे सिंपल फार्मेसी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में, एक ऐसी सिरप के बारे में जिसका उपयोग किडनी से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप के बारे में। बताएंगे हम आपको कि ये मार्केट में आपको किस नेम से मिलेगी, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग कैसे करेंगे आप, सही तरीका क्या है उपयोग करने का, क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों माई सेल्फ धर्मेंद्र फार्मासिस्ट, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। मैं चैनल पे आपको मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट है, ये दवाई का मूल नेम होता है, लेकिन जब मार्केट में आप इसे खरीदने के लिए जाते हैं तो ये अपने ब्रांड नेम से मिलती है, कुछ अलग नेम से मिलती है, जिसको हम ब्रांड नेम कहते हैं। दोस्तों ये मार्केट में आपको एल्काट्रॉल सिरप के नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी, और दोस्तों ये आपको इंटेलका सिरप के नाम से मिल जाएगी, और दोस्तों एसीट्रोल सिरप के नाम से भी मार्केट में आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बताने आगे वीडियो में बात करें कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो दोस्तों इस सिरप का मुख्य रूप से जो उपयोग है, अगर यूरिनरी एसिडोसिस है, यूरिनरी में एसिड बढ़ा हुआ है, एसिडोसिस है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों मुख्य रूप से इसका उपयोग अगर किडनी में पथरी है, किडनी स्टोन्स है, तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये जो मेडिसिन है, ये स्टोन्स जो पथरी होती है उसको डिसॉल्व कर देती है, मतलब खत्म कर देती है। जिन मरीजों के रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, उस केस में इसका बढ़िया उपयोग किया जाता है। दोस्तों बढ़िया काम करती है। और दोस्तों ये जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, ये तब देखने को मिलती है जब किडनी फेल हो जाती है, तो उस केस में ये बीमारी देखने को मिलती है। दोस्तों अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस सिरप का उपयोग डॉक्टर करते हैं। दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है अगर किसी प्रकार का, तो उस केस में भी इसका उपयोग किया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, तो उस केस में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि किडनी स्टोन्स में, यूरिनरी एसिडोसिस में इसका उपयोग किया जाता है। गाउट बीमारी है एक प्रकार की, उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और दोस्तों हमने बताया आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो दोस्तों मैंने आपको इसके उपयोग बता दिए। हो सकता है कि इसका अदर भी उपयोग हो, अब डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मरीज को रिकमेंड कर सकता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आपको उपयोग कैसे करना है। उपयोग करने से पहले आपको जो बोतल है उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, हिला लेना है। और दोस्तों ये सिरप आप खाना खाने के बाद में अगर उपयोग करते हैं तो ज्यादा फायदेमंद होती है। दिन में 3 से लेकर 4 बार उपयोग करने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों याद रखना है कि आपको खाली पेट इस सिरप का उपयोग नहीं करना है। उस सिरप का क्या करना है आपको, जैसे कि दो ढक्कन उपयोग करना है, 2 ढक्कन को 1 गिलास पानी में मिलाना है, या फिर जूस के साथ में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जूस में भी इसको मिला सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही नहीं लेना है इसको, इसको सबसे पहले पानी में मिलाना है, या फिर आपको इसको जूस, 1 गिलास जूस में मिलाना है 2 ढक्कन सिरप को, और उसे दिन में 3 से लेकर 4 बार उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या आते हैं, तो इसमें पेट में दर्द महसूस होने की समस्या है, जैसे कि थकान लग सकती है, डायरिया होने का केस हो सकता है, उल्टी लग सकती है, उल्टियां हो सकती हैं। और दोस्तों फ्रिक्वेंट अर्ज टू यूरिन, कहने का मतलब है आपको टॉयलेट अचानक से लग सकती है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है, या फिर इसके अलावा आपको कोई इसका अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो तुरंत इसको लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपका फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके आपको। दोस्तों अगर हम बात करें सावधानियां आपको क्या क्या रखनी है, तो दोस्तों अगर एलर्जी है किसी प्रकार की आपको इससे, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, या फिर जो माताएं बच्चे को दूध पिलाती हैं, उस केस में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही करना है। अगर दोस्तों स्टमक की कोई आपको बीमारी है, जैसे स्टमक में अल्सर वगैरह है, या फिर कोई अदर कंडीशन है, तो उस केस में भी इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों लीवर और किडनी की गंभीर बीमारी होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों
इसका इस्तेमाल हाइपरकैलीमिया एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, उस केस में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों वीडियो तो हमारा कंप्लीट हो गया, आपसे आशा यही करते हैं कि वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।